मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपनी जनक्रांति यात्रा लेकर शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन स्थानों पर पहुंचे, जहां जगह जगह उन्होंने कहीं नुक्कड़ सभाएं तो कहीं जनसभाएं की। लगभग हर जगह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफिले का फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद को इलाके का हिमायती बताया। वहीं ठोल गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मौजूदा मनोहर सरकार को जन विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि सत्तारूढ़ होने से पहले भाजपा ने 154 वादे प्रदेश की जनता से किए थे, लेकिन 4 वर्ष बीतने के पश्चात एक भी वादा पूरा नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार बार बार ये दावा करती है कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और सभी चुनावी वादे पूरे किए हैं। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ताल ठोकते हुए कहा कि उन्हीं पुराने वादों पर इस बार सरकार चुनाव लड़कर दिखाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान आज बर्बादी के कागार पर है, जिसके जिम्मेदार उन्होंने भाजपा सरकार को ठहराया। हरियाणा घूमने के बाद यहाँ आपके गांव में पहुंचे, इस गांव से, इस इलाके से मेरे को खास विशेष लगाव है। ठोड़ गांव के ही मेरे मौसा जो जगदीश चंद्र जी थे, मैं छोटा सा था जब मैं आया था इस गांव में, और आज पीछे भी 2-3 बार आया, आज फिर आया। खास तौर पे इस गांव का और इस इलाके का आशीर्वाद और सहयोग लेने के लिए, क्योंकि जो आज मौजूदा सरकार है वो एक जन विरोधी सरकार बन गई। 2014 का चुनाव हुआ, बहुत सारे उन्होंने वायदे किए, 154 वायदे किए, लेकिन आज 4 साल के बाद आप देखें तो एक भी वायदा पूरा नहीं। मैं तो इस सरकार को कहता हूँ, ये कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अगर अच्छे काम किए हैं, अपने वायदे पूरे किए हैं, तो उन्हीं वायदों से फिर चुनाव लड़के दिखा दो भाई, लोग देख लेंगे। आज किसान बर्बादी की कगार पर मेरे ये इलाके में धान पैदा होता है, बता देंगे आप मुझे, आप बताओ हमारे समय में क्या भाव मिलता था बासमती का, है 5,500, और आज क्या भाव मिल रहा है भाई, 25,000 भाव, आधे से भी कम। जो भाव, जो किसान आप यानी पैदा करते, जो किसान कपास पैदा करता है उससे पूछो उसको आधा भाव, जो पॉपुलर पैदा करता है, जो हमारे समय 1200-1400 प्रति क्विंटल बिका, आज 200-250 में आलू 9 पैसे किलो बिक गया पीपी की मंडी में, मैं गया था वहाँ, 9 पैसे किलो किसान बेच कर आया। और टमाटर लोगों ने अपने डंगरों को खिलाने पड़े, ये स्थिति आपके सामने। नहीं, विडम्बना किस बात की, किसान का धान तो फिट गया, चावल सस्ता नहीं, किसान का पॉपुलर तो फिट गया, प्लाईवुड सस्ती नहीं हुई, किसान का कपास तो फिट गया, कपड़ा सस्ता नहीं हुआ, किसान का आलू तो फिट गया, चिप्स सस्ते नहीं हुए, किसान का टमाटर तो फिट गया, सॉस सस्ता नहीं हुआ, ये आपके सामने है। किसके लिए कर रहे हैं, कुछ धन्नाड आदमियों के लिए, कि सारा देश का सारी शक्ति सारा किसान की मेहनत इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल के बाद आज आप देखा हूँ ये विफल सरकार है, और कर्जे में किसान दब गया, ना उसको उचित भाव है और लागत बढ़ रही है। आपके सामने डीजल का भाव क्या हो गया, हमारे समय में क्या भाव था, हमारे समय में डीजल पूरे हरियाणा में ना पूरे देश में, हरियाणा में सबसे सस्ता था, आज सबसे महंगा है, चंडीगढ़ से महंगा, दिल्ली से महंगा, यूपी से महंगा, सबसे महंगा। ना खाद पर टैक्स था, जीएसटी नहीं था, खाद पर कोई टैक्स नहीं था, ना कीटनाशक दवाइयों पर था, ना ट्रैक्टर के पार्ट्स पे था, आज सब पर टैक्स लगता, लागत बढ़ रही है, बेइंतहा